दिखाते हैं क्या बोले दिल्ली। दिल्ली में चुनाव की सरगर्मी बढ़ती जा रही है। इंडिया न्यूज की टीम लोगों का मूड जानने के लिए निकल पड़ी है। आज हमने जाना कि तिमारपुर के लोग चाहते क्या है। हम आज मौजूद हैं तिमारपुर विधानसभा में, हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि आखिरकार उन्हें क्या लगता है कि दिल्ली में सरकार कौन बनाएगा। सर, आपसे जानना चाहती हूँ। बीजेपी को वोट देंगे, इन्होंने ही काम किया है और मोदी साहब के जेर साये में यह सब काम हो रहा है। अरविंद केजरीवाल जी ने ऐसा कुछ कर दिया अपने लिए, खुद ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारी, न घर के रहे न घाट के रहे। दिल्ली में आखिरकार सरकार कौन बनाएगा, इसके लिए इंडिया न्यूज की टीम लगातार सर्वे कर रही है। इस समय हम मौजूद हैं मॉडल टाउन में। देखिए, सबसे पहले इस क्षेत्र के अंदर में समस्याओं का इतना भयंकर अंबार है और ये समस्याएं लगातार पिछले 15 वर्ष से सॉल्व होने की बजाय बढ़ती ही चली गई हैं। मोदी की एक लहर चल रही है, हर बच्चा बच्चा, स्कूल के बच्चे, किसी बच्चे से पूछो आप, हर बच्चा मोदी मोदी आवाज आएगी आपको, क्योंकि इस लालबाग क्षेत्र में भी मोदी का ही नाम चल रहा है इस टाइम। इस समय हम मौजूद हैं प्रीतमपुरा विधानसभा में, यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी वही सवाल पूछेंगे। अभी ये कहना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन लग रहा है कि बीजेपी को ही देंगे। देखिए, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो भी सरकार आए एक बहुमत से आए और एक स्थायी सरकार आए और एक सॉलिड सरकार आए। नहीं, ये तो कहना बहुत मुश्किल है कि मोदी सरकार काम करेगा, क्योंकि दिल्ली में जो है उनको कड़ी टक्कर जो है वो आम आदमी पार्टी दे रही है। यहाँ पे आपने देखा किस तरीके से जनता मिलीजुली राय दे रही है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी में कड़ी टक्कर है राजधानी दिल्ली में। सिर्फ प्रीतमपुरा ही नहीं, अन्य विधानसभाएं जितनी अभी तक हम लोगों ने की हैं उनमें भी इसी तरीके का मिला जुला एक हमें परिणाम मिला है देखने में। पर देखना ये होगा कि क्या ये 7 वोटों में तब्दील होता है। जल्द ही डेट्स आने वाली हैं, दिल्ली में चुनाव कब होंगे उसको ध्यान में रखते हुए माहौल दिल्ली की राजनीति का और गर्माने वाला है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ शिवानी त्यागी, इंडिया न्यूज। एक ब्रेक लेंगे, फॉरन लौट।